राज को करनमन करो महान यह काज आत्मज्ञान की प्राप्ति है मंगलमय सुख सा मंगलमय सुख चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व में प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहाती दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पाती दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतींद्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतींद्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। ज्ञानी
ये चैतन्य तत्व ही मैं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही पर्याय और द्रव्य का भेद ऐसे मिट जाता है कि उस समय द्वेत ही नहीं रहता, द्वंद ही नहीं रहता। अद्वैत एक अभेद ऐसे ये निर्विकल्प अनुभूति आत्मा जो सत्ता स्वरूप द्रव्य है, जो अनादि अनंत चैतन्य सत्ता मात्र है, इस चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा का यह परिणमन वस्तु सत्ता स्वरूप है, फिर भी उसका परिणमन प्रति समय हो रहा है। काल के प्रवाह में उस पर्याय का भी प्रवाह बह रहा है। प्रति समय ये पर्याय की यात्रा हो रही है और उसी पर्याय के प्रवाह में परिणमन में उस प्रवाह की ऐसी स्पर्शना उसके साथ कि जो प्रवाह में सर्वत्र व्याप्त है, सर्वथा वो ऐसा व्याप्त सब जगह और उसी की स्पर्शना और वह स्पर्शना, उस स्पर्शना का नाम ही पर्याय को द्रव्य की स्पर्शना है। ज्ञान का ये जो प्रवाह बहता है वह ज्ञान चैतन्य तत्व ये भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा से बाहर नहीं जाता। जहां ये भगवान आत्मा ये द्रव्य है और आत्मा का जो ये परिणमन है, ये परिणमन भी यहीं पर ही हो रहा है। पर यहां परिणमन हो रहा है, फिर भी उस परिणमन में, उस परिणमन में जो विषय बनता है वो विषय पर द्रव्य होने से इस परिणमन को विभाव रूप परिणमन कहा। श्रद्धा का परिणमन हो रहा है, वो श्रद्धा आत्मा में से बाहर निकलती नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसे भगवान आत्मा द्रव्य ये वस्तु सत्ता स्वरूप ये भगवान आत्मा और ये भगवान आत्मा
उसमें ये परिणमन हो रहा है। वो परिणमन, मैं द्रव्य यहाँ रहो और जानने रूप परिणमन कहीं पास में रह करके जानने 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 रूप कार्य करे, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि आंख शरीर में ही रहेगी, शरीर से बाहर जाकर के वो देखने का कार्य नहीं कर सकती, वो हो ही नहीं सकता। शरीर से अलग हुई कि वो देखना बंद कर देगी, वो संभव ही नहीं, वो कार्य ही न होगा। वो देह में रह करके ही देखने का कार्य करती है। और ये आंख जो देखने का कार्य करती है, उस समय किसको देख रही है? अब सामने वाला जो व्यक्ति है, देखने का कार्य आत्मा में ये जो हो रहा है, जानने का कार्य आत्मा में हो रहा है, जानने का विषय सामने है, मगर परिणमन जो यहाँ पर हो रहा है वो जानने रूप परिणमन, जानने रूप परिणमन, उस परिणमन का विषय कौन है ये महत्वपूर्ण है। वरना निगोदिया जीव है, निगोदिया जीव का भी वो जो ज्ञान है, वो जो जानना है, वो द्रव्य से बाहर होकर के नहीं जाता, वो द्रव्य में रह करके ही जानना जानना होता है। विषय कौन बना है ज्ञान का? श्रद्धा का, ध्यान का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए उस जानने रूप परिणमन का जो विषय है उसकी स्पर्शना, स्पर्शना अर्थात ऐसा नहीं है कि ज्ञान की पर्याय को आत्मा में आना है। ज्ञान की जो पर्याय है उस पर्याय को आत्मा में आना नहीं है, आंख को शरीर में आना नहीं है, मगर जब उस व्यक्ति ने अपनी आंख को बंद किया तो दुनिया में ऐसा ही कहा जाएगा कि उसने अपनी आंख को इधर उधर फैलाना बंद कर दिया। पहले भी आंख को फैलाता नहीं था, आंख तो वहीं पर ही रहती थी, मगर वो देखने के कार्य को बंद करना माने आंख को फैलाना बंद किया। पर्याय द्रव्य में लीन होने का अर्थ ये नहीं है कि कहीं दूसरी जगह पर्याय पड़ी है और फिर वहां से द्रव्य में आएगी। द्रव्य यहाँ है, पर्याय भी यहाँ, जानने का परिणमन वो यहीं पर ही हो रहा है, वो यहीं पर ही हो रहा है परिणमन, मगर वो परिणमन, वो उस परिणमन में वो जो विषय टेबल कुर्सी बनता है, उस परिणमन का विषय वो सत्ता स्वरूप जब बने परिणमन, तो वो पर्याय द्रव्य में आई। द्रव्य में तो थी ही, द्रव्य के बाहर नहीं थी, मगर द्रव्य उसका विषय नहीं था, इस वजह से अब कहा गया कि वो पर्याय द्रव्य में आ गई। उसी स्थिति को निर्विकल्प अनुभूति, तुम अपने में आ गए। कई दूसरे दूसरी जगह से तुम नहीं आए, तुम जहां थे वहीं पर ही रहे। असंख्य प्रदेशों पर जो ये व्याप्त भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा जो असंख्य प्रदेश पर, ये द्रव्य और आत्मा की जो पर्याय है, वो आत्मा की पर्याय भी उस द्रव्य में ही रही। ऐसा नहीं होता कि निर्विकल्प अनुभूति हुई तो यहाँ जानने का कार्य सब जगह हो रहा है, यहाँ भी ठंडा लग रहा है, यहाँ सब जगह ठंडा ठंडा ठंडा, ये सब जगह लग रहा है, तो ये जानने का जो कार्य है वो सब हो जगह हो रहा है। वो द्रव्य जो है वो द्रव्य से बाहर नहीं है, द्रव्य से बाहर नहीं है, वो द्रव्य में ही जानने रूप परिणमन हो रहा है, फिर भी संसार है। पर्याय तो द्रव्य में ही है ना, पर्याय द्रव्य के अंदर लेकर जाओ, पर्याय को द्रव्य में लेकर जाओ, पर्याय तो द्रव्य में ही है, द्रव्य के बाहर नहीं है, मगर पर्याय जो द्रव्य में ही है
मगर उस पर्याय का जो विषय पर द्रव्य बनता है, इसलिए उस पर्याय को पर में है ऐसा कहा जाता है। और जिस समय ऐसी निर्विकल्प अनुभूति होती है, उस समय उस पर्याय का विषय जो है ना, वो पर्याय का विषय ही वो सत्ता स्वरूप द्रव्य बन गया। और ऐसा ये स्वरूप है पर्याय ने, अब उसका भाव, उसका भाव ऐसा है। पर्याय जो है, उस पर्याय का विषय व चैतन्य तत्व परिणमन हो रहा है। जानना 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 जानना, ये परिणमन हो रहा है। और जहां जहां परिणमन हो रहा है, वहां ऐसा कुछ नित्य है, वो ऐसा कुछ स्वरूप जो नित्य टिककर रहने वाला, वो वहीं पर ही है। उसे आना नहीं है उसमें, उसका स्वरूप कैसा है। जैसे दीपक की ज्योति जलती है, तो दीपक की ज्योति, अब जब जलते हुए दीपक की ज्योति में वो ज्योति डोल रही है, वो डोल रही है, इसलिए चैतन्य ज्योति कहा, ज्ञान ज्योति कहा। ज्ञान दीपक में वो जो ज्योति है, वो ज्योति डोल रही है, बल्ब डोलता नहीं है, ट्यूबलाइट डोलती नहीं है, प्रकाश तो देती है, मगर तुम्हें ज्ञान बल्ब नहीं कहा, ज्ञान ट्यूबलाइट नहीं कहा, ज्ञान दीपक कहा। क्योंकि दीपक में वो ज्योति है, वो ज्योति का जो डोलना हो रहा है, वो जीवंत पने को बताता है कि जिंदा, वो जीवंत है। बल्ब है, ट्यूबलाइट है, हेलोजन हो, मर्क्यूरी हो, ये सब उसमें मुर्दा है, उसमें कोई जीवंत पना नहीं दिखाई देता। अब ये ज्योति जो जीवंत है, और उस जीवंत में कुछ ध्रुव है, वो क्या है वो मैं आपसे कह सकूं। ज्ञान का जो परिणमन है, वो जानना 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 जानना, ऐसा ये जो ज्ञान का परिणमन, अब समझना, अब समझना, भाव ख्याल में आएगा। ये जो ज्योति अभी ऐसी है, अब ज्योति डोल रही है, ज्योति डोल रही है, अब ये ज्योति डोल रही है, डोलने का एक कार्य हो रहा है, मगर वो डोलने वाला जो है, उस डोलने वाले का उसके साथ में सदा काल रहना है, जो उष्णता, इधर भी डोली तो उष्णता वहां पर है, वो इधर डोली तो उष्णता है वहां, वो कैसे भी डोलती रहे मगर उष्णता को छोड़ती नहीं है। ऐसे ही जानना जानना जानना, ये ज्ञान का प्रवाह बहता है, वो प्रवाह तो बहता है जानना जानना जानना, मगर वो प्रवाह अपनी चैतन्य की ध्रुवता, उस सत्ता को नहीं छोड़ता है। प्रवाह वो सदा काल उस स्वरूप को नहीं छोड़ता है। उसका और भाव समझे। पर्याय जो है, ये ज्योति का निरंतर डोलना, ज्योति का निरंतर डोलना तो होगा, मगर डोल करके भी ज्योति का जो है ना, उस सत्ता में, तो सत्ता में टिक करके रहना। ज्योति डोल रही है, अब उसका भाव, ज्योति इधर की ओर डोले, इधर की ओर डोले, और कोई छुए तो गर्म लगे, और इधर की ओर डोले और कोई छुए तो गर्म न लगे, ऐसा तो है नहीं। किसी भी वो डोलती रहे,
वो डोलती रहे, वो जहां जहां है वहां अपनी वो उष्णता की नित्यता को तो अपने साथ में ही है, वो अनित्य में वो कुछ नित्य है। ऐसे ही जानना 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 ये हो रहा है, उसमें ऐसा स्वरूप है जो नित्य है, उस स्वरूप की स्पर्शना होने पर निर्विकल्प अनुभूति होती है। वो कैसे, उसके बारे में हे ज्ञान दीपक मैं कुछ कह सकूं? उसमें भी ये जो ज्योति डोल रही है, ये डोलने वाली ज्योति को अग्नि के साथ में, डोलने वाली ज्योति को अग्नि के पास में जाना नहीं है, डोलने वाली ज्योति अग्नि के साथ में ही है जहां जहां है। ऐसे ही जानना जानना ये पर्याय का प्रवाह, वो जहां है वहां ऐसा नित्य सत्ता स्वरूप द्रव्य है, वो तभी है, उसी जगह पर है। मगर जैसे मैंने कहा कि पर्याय यहां पर ही है, मगर उसका विषय कोई और बन रहा है। वो डोलने वाला जो है, वो डोलने वाले की नजर उस आग पर नहीं है, वो डोलने वाले की नजर किसी और पर है, इसलिए डोलने वाला आग के साथ रह करके भी आग के साथ नहीं है। वो ज्योति, उसका भाव क्या है? उसका अंदर में अनुभव, अनुभव उसका, अनुभव का विषय जो बन रहा है, वो विषय, वो सत्ता स्वरूप जब तक नहीं बने तब तक पास में रह करके भी पास में नहीं रहे। इसलिए ये कहा कि मुट्ठी में सोना पड़ा है मगर पास में ही है, मगर ध्यान न गया तो सोने को देखा नहीं, वो सोना होने पर भी नहीं। और उस व्यक्ति को कोई पूछे कि तू कौन है, तो वो यही कहेगा कि मैं निर्धन हूं, मैं दुखी हूं, सोना तो है, सोने के पास जाना नहीं है, सिर्फ वो देखना है, पास में तो है। ऐसे ही जानने का जो प्रवाह बह रहा है, वो जानने के प्रवाह में वहां वो चैतन्य की नित्यता है, वो वहां पर ही है। सिर्फ वो प्रवाह जो है, वो प्रवाह टेबल कुर्सी को जो जान रहा है, उसी प्रवाह को जानना है, उस चैतन्य की ध्रुवता को, उस नित्यता को जानना है। और जानना ही नहीं, अभेद रूप से ऐसा कि यही मैं, सिर्फ जानना ऐसा नहीं कि मैं टेबल को जानता हूं, कुर्सी को जानता हूं, ये पेड़ पौधे को जानता हूं, मगर ऐसा भाव नहीं है कि यही मैं। यहां तो वो जानने में भी आए, ज्ञान के परिणमन में वो सत्ता जानने में भी आए, और श्रद्धा ये स्वीकार करे कि जो ज्ञान में जानने में आया यही मैं, और यही मैं ऐसा अपनापन होते ही अब ध्यान कहीं नहीं गया, कौन छोड़े? और वो ध्यान का लीन होना, ज्ञान श्रद्धा और ध्यान, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की जो एकता है, वो उस समय रत्नत्रय की प्राप्ति हुई। और हे ज्ञान दीपक तुम्हें वह होगी, तुम ये प्रयोग यदि करो तो तुम्हें ये अनुभूति होगी, वरना सोने को तो लेकर जाओगे मगर अंधेपन को लेकर के जाओगे, इसलिए निर्धन होकर के जाओगे। सोना कोई तुमसे छुड़ा नहीं सकता, वो वही है, एक स्वरूप ही ऐसा है जो कोई तुमसे छीन नहीं सकता।
और वो स्वरूप ही है जिसके अतिरिक्त इस जगत में कुछ पाया नहीं जा सकता। और जब निर्विकल्प अनुभूति होती है तब समस्त पर्याय उस द्रव्य की ओर ढले और उस द्रव्य में समर्पित हो। परिणमित होती है, पलटती रहती है, पलटती रहती है, पलटती रहती है, मगर द्रव्य की ओर सन्मुख रहते हुए वो पलटती रहती है। बदलना तो होता है, बदलना होता है। बदलना परिणमन हो रहा है। मां बच्चा छोटा है, झूले में कपड़े भी धोती है, तो झूला अपने पास में रखा, कपड़े धोती रहती है, मगर ध्यान वहां पर है, सो रहा है न, जगा नहीं है। रसोई भी बनाती है, वो एक जगह बैठती नहीं है, हिलती डोलती रहती। नमक लेने गई, मिर्ची लेने गई, सब लेने गई। ये डोलना हो रहा है, मगर डोलने में भी वो बेटे में लीनता, वो लीनता। ये करते करते ये लीनता, डोलना ये हो रहा है, वो परिणमन हो रहा है पर्याय का। परिणमन, पलटना, 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 मगर उस पलटने के काल में भी वो नजर में वही रहता है और वो उसके साथ में रहती है, बेटे के साथ रहती है। वो नमक के साथ नहीं है, वो मिर्ची के साथ में नहीं है, वो बेटे के साथ में है। डोलते हुए भी बेटे के साथ, और ज्ञानी की वो दशा है। कोई पूछे कि तू इधर उधर किसके लिए डोलती है, बोले कि मैंने, मुझे तो बेटा ही दिखता है, मैं डोलती नहीं। वो डोलती नहीं, डोल कर के भी डोलती नहीं, क्योंकि दृष्टि में वो बेटा ही। पलटना 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 ये हो रहा है, और पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं द्रव्य। इसलिए पलटना हो रहा है, मगर मैं द्रव्य उसमें ऐसा अपनापन है कि पलटना हो तो रहा है, मगर उस पलटने में उसका पलटना नहीं हो रहा है। मां नाच रही है, वो मिर्ची और नमक के साथ नहीं नाच रही, वो बेटे के साथ नाच रही है। परिणमन उल्टा हो रहा है, इधर दूर हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, मगर उसके साथ में नाच, एक बेटे के साथ। और इसलिए है ज्ञान दीपक, आज मैं तुम्हें तुम्हारा 65वां बोधामृत परोसता हूं। मीरा मात्र कृष्ण के लिए नाची थी, सारे जगत के लिए नहीं। मीरा मात्र कृष्ण माटे नाची थी, आखा जगत माटे नहीं।
एक के लिए नाची थी, अनंत के लिए थी। और जिस समय तुम्हारी वो दशा प्रकट हो, कि तुम्हारी ये पर्याय उस द्रव्य में ही ढले, एक चैतन्य परमात्मा में ही अभेद होकर के नाचे, जगत के पर पदार्थों के लिए नहीं। और आज का दिन भी अत्यंत पावन दिन है, अक्षय तृतीया का दिन है। मुनिराज ऋषभ देव का पारणा लंबे काल के बाद उन्हें गन्ने का रस मिला था, आज सुबह एक भाव आया जो स्मरण में आया अभी, जितना ज्यादा अनशन करके बैठा हो, तुम्हारी भाषा में उपवास करके बैठा हो, एक साल से बैठा हो और उसे गन्ने का रस मिले। इतिहास में यह दिन यादगार रह गया, मगर कोई 5 साल से भूखा हो और उसे पारणा करने को रस मिले तो और बड़ा दिन होगा कि 5 साल के बाद उसे रस मिला, आज उसका भूखा रहना मिटा, प्यासा रहना मिटा। और अब विचार करो, जो अनंत काल से प्यासा हो, भूखा हो, और जिस समय की पर्याय में वो चैतन्य का रस चखे और पारणा करे, अनंत काल का भूखा, अनंत काल का प्यासा, जिसने चैतन्य का रस आज तक चखा नहीं और भटक रहा था व्यर्थ में, ये सुनते सुनते मैं भावना भाता कि तुम ऐसी दशा को उपलब्ध हो कि तुम्हारा पारणा आज हो जाए। ये ऐसा चैतन्य रस है, ये ही अमृत है। तुम
तुमसे मिलने से पहले मैं ये अमृत तैयार करता हूं और तुम जहर तैयार करते हो। तुमने आज तक जहर ही तैयार किया। 10 बजे सत्संग प्रारंभ होता है, उससे पहले मैं अमृत तैयार करता हूं। चैतन्य सागर में डुबकी लगाकर वो चैतन्य का अमृत रस तैयार करता हूं। और तुम भी तैयार करते हो भक्ति जो राग से भरी। राग जहर है, तुम जहर तैयार करते हो। ये जहर है, तुम जहर तैयार करते हो। मैं तुम्हारे लिए अमृत परोसता हूं, तुम मुझे अपना जहर परोसते। रस तो है दोनों में, एक ऐसी दशा को तुम उपलब्ध हो जाओ। प्रवचन को सुनने का विकल्प ये जहर है, और सुनने का विकल्प मिटा और सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व की ओर ध्यान गया कि अमृत को पाया और जहर छूट गया। मीरा मात्र कृष्ण के लिए नाची थी, सारे जगत के लिए नहीं। बेटी की शादी होती है तो बारात आती है, दामाद भी आते हैं और भी बराती आते हैं, जाने या वो आवे। छोकरा ना बाप माँ बधा सगा संबंधी, पण बधाना माटे आपणे व्यवहार करिए तो कोईना माटे थोड़ा रुपया आप्या, कोई ने कई वस्तु आपी, पण छोकरी नो हाथ है बधाने नहीं आपी, ये जमाईने ज आपशे, किसी को भी नहीं। बाकी सबका यथा योग्य जितना आदर करना था उतना कर दिया। ये श्रद्धा अपनी बेटी है, वो एक ही को समर्पित हो, उस चैतन्य परमात्मा को। बाकी जगत में सबके साथ तुम्हें जो व्यवहार करना है वो करना, श्रद्धा का हाथ मत देना, वो चैतन्य तत्व के लिए ही कि यही मैं हूं। श्रद्धा का यही भाव है, वो मैंपना, वो अपनापन, वो एकत्व, वो अहमपना कि यही मैं, यही वो, और किसी को मत दे। मीरा मात्र कृष्ण के लिए नाची थी, सारे जगत के लिए नहीं। मीरा नाची थी, घुंघरू बांध मीरा नाची थी। मीरा को जहर पिलाया गया था और मीरा ने हंसते हंसते जहर पी लिया, मगर मीरा मरी नहीं।
सुकरात को भी जहर पिलाया था एथेंस में, मगर सुकरात मर गया, मीरा नहीं मरी। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मीरा नहीं मरी। सुकरात मर गया मगर मीरा नहीं मरी। मीरा स्वदेशी थी, सुकरात परदेशी था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि मीरा नहीं मरी। असली कारण यह था कि उस जमाने में भी भारत में असली चीज नहीं मिलती थी, नकली भेड़सेड़ वाली मरती थी, इसलिए मीरा न मरी। कई जहर बराबर नहीं हुए, नहीं तो जहर ने शू पड़ी छे। अब भारत देश में भेड़सेड़ वाली वस्तु त्यार थी चालू थी गई हस, परदेश नु जे झेर बिल्कुल शुद्ध भेड़सेड़ वगर नु सुकरात नु मरण थई। स्वदेशी जो जहर होता है वो सच्चा नहीं होता, वो झूठा होता है। परदेश का जो जहर है वो सच्चा है। और कौन स्वदेशी कौन परदेशी? जिस ज्ञानी ने स्वरूप का आश्रय लिया है वे स्वदेशी है, और ज्ञानी के पास भी राग का जहर है, मगर ज्ञानी को राग का जहर असर नहीं करता, क्योंकि ज्ञानी का राग का जहर झूठा है। स्वदेशी जहर झूठा होता है, और परदेशी जहर जो प्रभाव में लीन है, पर पदार्थ में एकत्व करते हैं, उनका जो राग का भाव असली है इसलिए वो मरता है। परदेशी जहर में मौत होती है, स्वदेशी जहर में मृत्यु नहीं होती। इसलिए ज्ञानियों को जहर होने पर भी राग आता है, मगर ज्ञानी को भाव मरण नहीं होता। मीरा न मरी। स्वदेशी जहर वो नकली है, ज्ञानी को प्रवचन देने का राग का भाव आता है। कहान राज के प्रति भक्ति का भाव आता है, मगर वो भाव नकली भाव है, मरण नहीं होता, स्वदेशी है। वो नकली, नकली का सीधा सा अर्थ ये कि उस पर बैठे नहीं है, उन भावों पर वे नहीं बैठे, भावों को दूर ऐसे देखते हैं, भावों को चित्र विचित्र ये रंगीन भावों को वह ऐसे देखते हैं, जैसे लाल रंग का दृश्य पर्दे पर आया, हरे रंग का दृश्य पर्दे पर आया, और कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर के उस दृश्य को देखता हो, वो बैठा है कुर्सी पर, वो पर्दे पर नहीं बैठा, और रंग लाल और सफेद पर्दे पर है। ऐसे ही विकार का भाव, क्रोध मान माया लोभ का भाव तो उस पर्याय के पर्दे पर है, और अनादि अनंत चैतन्य की सत्ता पर मैं विराजमान रह करके ये पर्दे पर जो भाव हो रहे हैं उसे दूर से देखने वाला दर्शक हूं। आवी रीते आम थाय, आओ तमने कोई एम के
यदि मैं तुमसे कहूं परदेश पिक्चर, ये परदेश नाम की फिल्म, वो ऐसी क्यों बनाई? अच्छी नहीं बनाई, ऐसी क्यों बनाई? और तुम पर मैं प्रहार करने लगूं वाणी से, काया से, तुम कहो हम पर क्यों प्रहार करते हो? वो परदेश फिल्म मैंने नहीं बनाई, हाँ मैंने देखी है दूर से, मगर मैं बनाने वाला नहीं था। वो पर्दे पर जो आया मैंने देख लिया, मगर मैंने वो नहीं बनाई, मैं उसका निर्माता नहीं, मैं उसका निर्देशक नहीं, मैं तो उसका दर्शक, मात्र दर्शक, दूर से देख रहा था। और प्रति समय ज्ञानी को जागृति रहती, ये भक्ति का भाव आया, ये क्यों आया? पर्दे पर आया, उसकी फिक्र तुम मत करना। और यही उपाय है, क्यों आया? मैं जहां बैठा हूं वहां तो कुछ भी नहीं आया, આખી જે ધ્રુવતા છે ને એની, ચૈતન્યની ધ્રુવતા, કેટલો ગેપ તમને દેખાય છે એમાં? આખો આખો ખાલી જગ્યા કેટલી દેખાય છે? કે તમે બેઠા છો ત્યાં ખુરશી ઉપર અને અહીંયા પડદા ઉપર દ્રશ્ય આવે, કેટલી ખાલી જગ્યા આમ દેખાય છે? ખાલી જગ્યા દેખાય છે। આ રાગના વિકલ્પમાં, ભક્તિના વિકલ્પમાં, બોલવાના વિકલ્પમાં, અને એ વિકલ્પમાં અને ચૈતન્યની સત્તાની વચ્ચે એવી આવી એવી ખાલી જગ્યા દેખાઈ ગઈ, ગેપ દેખાઈ ગયો। પ્લેટફોર્મ ઉપર આમ ઉભા હોય, ટ્રેનના અંદર ચડવું હોય, ટ્રેનમાંથી ઉપર આમ બોલે, એમ એનાઉન્સ કરે, પ્લીઝ માઇન્ડ ધ પ્લેટફોર્મ ગેપ, બે વચ્ચે ખાલી જગ્યા છે, પ્લેટફોર્મ અને ટ્રેનની વચ્ચે ખાલી જગ્યા છે, ગેપ છે, એમ ચૈતન્યની સત્તા અને રાગાદી વિકલ્પોની વચ્ચે આ ગેપ છે। અજ્ઞાની માટે છે, જ્ઞાની માટે છે, બેના માટે છે, પાછળ અંતર એટલું કે જ્ઞાનીને દેખાય છે, અજ્ઞાનીને દેખાતો નથી। ગેપ કરવાનો નથી એ પ્લેટફોર્મ ને ટ્રેનની વચ્ચે, એ ખાલી જગ્યા પડેલી છે, એ અવકાશ છે। આ ચૈતન્યની જે સત્તા, એ સત્તા ઉપર રહીને પાછો ગેપ દેખે છો પાછો? આને કહેવાય, તમે ઊભા છો પાછા આ પ્લેટફોર્મ ઉપર અને ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મની વચ્ચે ગેપ જોયો, ટ્રેનમાં ચડીને નહીં પાછા, એમ પડદાના ઉપર દ્રશ્યને તમે અને તમારી સત્તાને એના વચ્ચે ગેપ જોયો, પણ પડદા ઉપર જઈને નહીં, ત્યાં રહીને તે પડદા ઉપર એ દ્રશ્ય વચ્ચેનો ગેપ, એ ખાલી જગ્યા જોઈ લીધી। इसलिए ज्ञानी को जो राग के विकल्प होते हैं ये असर नहीं करते, ये नकली है, ये नकली है। इसलिए तो उन्हें कि आपको राग हुआ, आप क्या थे? आपने उस परदेश पिक्चर में एक्टिंग अच्छी क्यों नहीं की? आपको कि मैं दर्शक था, मैं एक्टर नहीं था, मैं वो करने वाला नहीं था वहां, जो मैं तो देख रहा था,
तो क्रोध मान माया लोग ये भाव, भावों की जो रील, उसका एक्टर मैं नहीं हूं, मैं उसका दर्शक हूं। पछी एना माटे तुम्हारे विचार करने का रहे नहीं बचे। ना ना आऊ आसो ज्ञानी का जो राग है वो राग वो झूठा है। एना माटे हुआ है तो ज्ञानी नी जे राग नी जे आजे पर्यायो ये नकली खांसी छे। नकली खांसी એટલે લાજ કાઢવાની હોય ને, પહેલાના જમાના હોય તો લાજ કાઢવાની હતી, વો એ સસરાની લાજ કાઢે, એટલા માટે નહીં કે સસરાનું મોઢું નથી જોવું, સસરાનું મોઢું પોતે જોતી હોય પણ સસરાને દેખાડવું નથી પોતાનું મોઢું, એમ અંદર તો એને બધું દેખાતું હોય પણ પહેલાનું મોં દેખાઈ જવું જોઈએ। મોટા હોય એટલે આવા બધા ભાવ આવે, નાના ટેણીયાઓને તો શું આવે એમ સમજી, દેર તો ટેણીયો થઈ ગયો, આ બધા પણ લાજ કાઢે। સસરા પણ ઘરમાં ન હોય પછી ઘરમાં આવે તો ખબર કેમ પડે વહુને કે સસરા આવ્યા, એટલે આમ ખાંસી ખાય, આમ કરે એટલે વહુને એમ લાગે કે સસરા આવી ગયા, એટલે તરત જ લાજ કાઢી નાખે, કઈ ખાંસી થઈ ને તમે પછી એમ ન કહેતા વિક્સ લાવી દઉં, ઉકાળો કરી દઉં, એ વહુને ખબર છે કે આ નકલી છે બધું, ખાલી કેવા કે હું આવી ગયો છું હાજરી પુરાવે, એ નકલી ખાંસી છે, એમાં મરી ન જવાય કઈ। જ્ઞાની નો રાગ નકલી છે, એમાં ભાવ મરણ નથી થતું, મીરા એ બધું કેવું છે પણ હવે તો કેવું છે, કેવું છે પણ કેવું છે, આ બધું સંસારનું સ્વરૂપ કેવું તો છે પણ કેવું છે, મીરા માત્ર કૃષ્ણ કે લીએ નાચી થી એવી તલ્લીન થી, એવી તલ્લીન શ્યામ માટે નાચી હતી, કૃષ્ણ ને શ્યામ, એટલા માટે હું કહું છું આનો ભાવ બહુ ઊંડો છે। શ્યામ પિયા મોરે રંગ દે ચુનરિયા, એસી તુ રંગ દે કી રંગ નાહી છૂટે, એસી તુ રંગ દે કી રંગ નાહી છૂટે, ધોબિયા ધોય ચાહે સારી ઉમરિયા, શ્યામ પિયા મોરે રંગ દે ચુનરિયા, શ્યામ પિયા મોરે રંગ દે ચુનરિયા। કોઈ લોકો એમ કે લાય આ તો જૈન ધર્મ ઉપર પ્રવચન આપે છે, અને આ ક્યાં શ્યામ ને ક્યાં મીરા ને આ બધા, પણ હું કોઈ નથી, હું ફકીર છું। શ્યામ પિયા મોરે રંગ દે ચુનરિયા, શ્યામ પિયા મોરે રંગ દે ચુનરિયા, એસી તુ રંગ દે કી રંગ નાહી છૂટે,
धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊ मैं हरी ना रंगाऊ, लाल ना रंगाऊ मैं हरी ना रंगाऊ, अपने ही रंग में श्याम रंग में रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोरे रंग दे चुनरिया। लाल ना रंगाऊ मैं हरी ना रंगाऊ, पर्याय ये पर्याय पर द्रव्य नी बात तो बहुत दूर नी छे, पर द्रव्य नी बात दूर नी छे। शिष्य भगवान ने एम कहे छे, शिष्य अज्ञानी भगवान ज्ञानी, हे भगवान हवे मने तारी साथे एवो रंगी दे, एवो रंगी दे, एवो रंगी दे के जेवो तू वितरागी एवो मने वितरागी करी दे, एवो रंगी दे। लाल ना रंगाऊ मैं हरी, मारे बीजी रीते कोई रीते नहीं, तारा जेवो मने रंगी दे, अने एवो रंगाई जाओ, एवो रंगाई जाओ। धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, पछी पाछो संसार में क्यारे न आवो, पछी धोबिया धोए चाहे, आनो भाव बहु ऊंडा हे। हाँ कहू छू, આ તો છે ને શિષ્ય અને પરમાત્મા માટેની આ વાત છે। શિષ્ય પરમાત્માને કહે છે રંગી દે, એ તો બધી બહારની વાત થઈ, અસલી વાત તો હવે આ છે કે પર્યાય જે એક સમયની છે, એ એક સમયની પર્યાય, એ મીરા ને એ કહે છે ત્રિકાળી ધ્રુવને કે હવે તું મને રંગી દે, તારામાં એવી રંગી દે, એટલે પર્યાય દ્રવ્યમાં રંગાવા માંગે છે। અને કેવી થવા માંગે છે? પર્યાય કે છે લાલ ના રંગાવું હરી ના રંગાવું, પર્યાય કે મારે ક્રોધમાં નથી રંગાવું, ક્રોધના લાલ રંગમાં નથી રંગાવું, માનના લીલા રંગમાં નથી રંગાવું, ક્રોધમાં નથી રંગાવું, માનમાં નથી રંગાવું, મારે તો જેવું દ્રવ્ય નિર્વિકલ્પ છે એવી જ પર્યાય, પર્યાય હું પર્યાય કેવી થઈ જાઉં, નિર્વિકલ્પ થઈ જાઉં, જેવું દ્રવ્ય એવી જ પર્યાય। દ્રવ્ય શુદ્ધ છે અને પર્યાય કે છે હું અશુદ્ધ થવા નથી માંગતી, હું પણ તારી જેવી જ શુદ્ધ થઈ જાઉં, શ્યામ રંગ મેં અપને હી રંગ મેં, જેવું તારું સ્વરૂપ એવામાં જ મને રંગી દે, અપને હી રંગ મેં રંગ દે ચુનરિયા, જેવું તું શુદ્ધ દ્રવ્ય છો। પર્યાય કે છે મારે તારે જેવું શુદ્ધ થઈ જવું, અને એવી દ્રવ્યમાં શ્યામ પિયા મોરે રંગ દે ચુનરિયા, એસી તું રંગ દે, કે રંગ નાહી છૂટે। એક વાર પર્યાય દ્રવ્યમાં રંગાઈ ગઈ ને નિર્વિકલ્પ થઈ, અનંત કાળ સુધી હવે વિકલ્પ નહીં થાય। ધોબિયા ધોએ ચાહે સારી ઉમરિયા, બારમાં ગમે એવા નિમિત્તો આવે, આ ધોબી આ બધા ધોબીઓ છે બેઠા ધોવા માટે આવે, કદાચ આનો વૈરાગ્યને ધોઈ નાખું, માં આવે, બાપ આવે, સગા સંબંધી આવે કે બેટા લગ્ન કરી લે, એ ધોવા માટે આવે છે, પણ અહીંયા વૈરાગ્યનો રંગ ચડ્યો, એ ચડ્યો હવે એને કોઈ ધોઈ ન શકે। ધોબિયા ધોએ ચાહે સારી ઉમરિયા, આખી જિંદગી કે મરે ત્યારે કઈ જાય એક વાર કરી લે લગ્ન, હવે અમે જઈએ છે તારું ધ્યાન કોણ રાખશે। ધોબિયા ધોએ ચાહે સારી ઉમરિયા, શ્યામ પિયા મોરે રંગ દે ચુનરિયા, શ્યામ પિયા મોરે રંગ દે ચુનરિયા।
हा 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 मीरा कृष्ण के लिए नाची थी, सारे जगत के लिए नहीं। सारा जगत कहता है मेरे लिए एक बार नाच, वो नहीं नाचेगी। पर्याय तो द्रव्य के लिए नाचेगी, लाल के लिए नहीं नाचेगी, हरे के लिए नहीं नाचेगी, वो तो शुद्ध उज्जवल धवल। હવે તો આવું છે ને, હે આવું છે મારા પ્રભુ, સારે જગત કે લિયે નહીં નાચે, ગરુ બાંધ મીરા નાચી, પગમાં ઘુંઘરુ બાંધી લીધા પછી નાચી, આમ ન નાચી, ઘુંઘરુ બાંધી નાચી। પદ શબ્દ છે ને, પગ પગ એટલે પદ, આ પદ યજ, પદ તુમારા પદ નહીં, પદ એટલે પર્યાય, પર્યાય આખી દ્રવ્ય સાથે એવી બંધાઈ ગઈ, એવી બંધાઈ ગઈ કે એવો નાતો જોડી લીધો અસલીઓ। આ બધું બાકી તો બધું નકલી છે, આ સંસાર આ બધા બાકીના સંબંધો નકલી છે, એ કલ્પના લોકમાં છે, એ કઈ ગણાય નહીં। આ મારો બાપ ને આ મારી માં ને આ મારી પત્ની ને બધા સંબંધ નકલી સંબંધ છે, એ કઈ ગણાય નહીં। એક પ્રેમી એની પ્રેમિકાને કીધું, હે હા ભગવાન જો હા એવું છે આ સ્વર, પ્રેમી એની પ્રેમિકાને કીધું તું મારી થઈ ગઈ, મારી થઈ ગઈ, મારી થઈ ગઈ, અબ તું મેરી હો ગઈ, દોનો મિલ છે, अपनी आज शादी हो गई। कैसे शादी हो गई, कब शादी हो गई, शादी ऐसे नहीं होती। प्रेमिका बैठे थे, प्रेमी भी बैठे थे, प्रेमी ने कहा शादी हो गई, शादी तो अग्नि को साक्षी रख करके शादी होती है, अग्नि को साक्षी रख करके शादी होती है, तो शादी मानी जाए अग्नि साक्षी। अग्नि को साक्षी कहां रखा था, अग्नि को साक्षी कहां रखा शादी। प्रेमी बोला है हमणा तो બીડી તો પીધી, બીડીમાં આગ નથી, એ બીડીની અંદર અગ્નિ હતી ને, બસ એને સાક્ષી રાખી લગ્ન કરી લીધા, કે આ ન ગણાય, કે બીડીની આગ થોડી ગણાય ક્યાં અગ્નિ સાક્ષીમાં, અને કે ફેરા ફળતો તો બીડી પીતો પીતો આમ ધુમાડા કાઢતો તો, આ સંબંધ થઈ ગયો, અગ્નિ તો હતું સાક્ષી, નકલી છે આ બધે, આ કોઈ સંબંધ વેલિડ ન ગણાય। બધા જે એવા નકલી સંબંધ એમ, આ અમારો બાપ છે ને અમારી મા છે ને, આ બધા કઈ વેલિડ ન કહેવાય, નકલી સંબંધ છે। પ્રમાણ શું છે કે કર્મ ના ઉદય, એ કઈ પ્રમાણ ન કહેવાય, બધા પ્રમાણ ન કહેવાય। અનંત સિદ્ધોને સાક્ષી રાખીને આ પર્યાય જ્યારે ચૈતન્ય તત્વને વરમાળા પહેરાવે, હા અનંત સિદ્ધોને સાક્ષી આપી, એસી તું રંગ દેખી રંગ નાહી છૂટે,
એને અવાજ ગાતા નતું આવડતું મીરાને, ગાતા નતું આવડતું. શ્યામ પિયા મોરે રંગ દે ચુનરી, અનુપ જલોટા ને ગાયા, મુજે અમેરિકા મે મિલે થે, મેને ઉનસે કહા થા, આપકે જૈસા મેં ગા તો નહીં સકતા, આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ભેટ દિયા થા, સ્થાપના હુઈ થી, टीवी एशिया चैनल पर एक कार्यक्रम था, वहां आए थे. अवाज तो मन मारो क्या अवाज, अहो रूपम अहो ध्वनि जेवू थई जाय, पण एमां भाव बहु ऊंडा छे. मीरा ने गाता नतुं आवडतुं, એને કોઈ એવોર્ડ નતો મળ્યો, એના જ પદો મીરાના પદો લતા મંગેશકરને ગાયા. એવોર્ડ મિલા કોલ્હાપુર યુનિવર્સિટી. એવોર્ડ દિયા, પીએચડી હો જાતે, અચ્છા સા અચ્છા ગાના ગાતે. મીરા કો કોઈ પીએચડી નહીં મિલા, मिला तो जहर मिला, वो भी नकली. इसलिए मैं कहता हूं तुम्हें गाना कितना आता है महत्वपूर्ण नहीं. इसलिए कल जो ज्ञान दीपक अपने अपने भाव व्यक्त कर रहे थे, उनकी भाषा में कोई दम न था, उनके पास बोलने की कोई कला न थी, પણ એમના ભાવો એવા હતા કે એક ક્ષણ તો મને પણ આ ભાવ આવ્યો. મારી પેલા સિદ્ધ થશે એવો ભાવ એક ક્ષણ તો મને આવ્યો. એવું છે આ બધું ભાવ. એ ભાવમાં પણ પાછો ભાવ, ભાવ એટલે પેલો રાગનો ભાવ થયો, અહીંયા તો આખું સ્વરૂપનો ભાવ. પર્યાય જ આખી દ્રવ્યને એમ કહે છે કે મને રંગી દે. હે આ અને નાચે છે પાછી, મીરા કૃષ્ણ કે લીએ નાચે. કૃષ્ણ કે લીએ નાચે, સારે જગત કે લીએ નાચે. હે જ્ઞાન દીપક, એક સમય એસા આયે, ન તુમ અનંત સિદ્ધો કે લીએ. જબ અનંત સિદ્ધો કે લીએ ભી નહીં, ફિર ગુરુ તો કહાં રહે, ફિર પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કૃપાલુ દેવ કહાં રહે. ફિર વો એક એસી સ્થિતિ આયે કે જબ તુમ ગુરુ કે લીએ નાચના બંધ કરો. જબ તક તુમ ગુરુ કે લીએ નાચતે હો તબ તક તુમ ઝહેર પીતે હો, और वह नाच ना मिटा और अंतर्मुख हुए कि अमृत का पान किया. चैतन्य रस का पान किया.
कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए, भोजन सभी को मिले। पारणा का दिन है, शुरुआत यहां से हो। अनादि से भूखा प्यासा ये आत्मा पर्याय उस रस को पिए। स्व करुणा, स्व करुणा और पर्याय उस द्रव्य के साथ ऐसी नाचे और अभेद हो। पुरानी कहानी है, कहानी है, चीन की दीवार है, उस चीन की दीवार पर ऊपर जो चढ़ता है फिर नीचे देखता है और हंसता है और कूदता है, वो कहां जाता है उसका पता नहीं चलता, वो मिलता ही नहीं। वो कहां जाता है उसका पता नहीं। कहानी है मगर बहुत प्रतीकात्मक है कि दीवार के ऊपर जो जाता है और नीचे देखता है, हंसता है और हंसते हुए फिर वो गिरता है, फिर उसका पता नहीं चलता। कहानी है, बहुत से लोगों ने यह प्रयास किया ऊपर जाने का और न हंसे, नहीं हंसेंगे, मगर हंसने का भाव आए बिना न रहा। बहुत प्रयास किया कि न कूदेंगे, मगर कूदे और न मिले। ऐसा ही ये स्वरूप है। पर्याय जब आरोहण करती है चैतन्य शिखर पर और फिर ऐसे ढलती है, फिर वो खबर देने आती नहीं कि वो कहां गई। वो पर्याय द्रव्य में अभेद हो गई। अनंत पर्याय अनंत ज्ञानियों की ढली और खबर देने न आई। हे ज्ञान दीपक, तुम न चाहते हुए भी ढलोगे, न चाहते हुए ढलोगे। विकल्प न होगा ढलने का और ढलोगे, तभी तो निर्विकल्प होगे। कि विकल्प भी नहीं था कि मैं ढलू और ढल गए, वही निर्विकल्प। और फिर परिणमी पलटना 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 ये होता रहा। पर्याय नाचती रही, नाच करके भी उस द्रव्य से नाता न छूटा। वो जुदा ही नहीं हुई, वो जुड़ी हुई ही रही। वो ऐसा हुआ कि पर्याय द्रव्य के साथ कोई कहे कि मीरा तो नाचती है, अभी यहां थी बाद में यहां, मगर मीरा जहां भी है अपने कृष्ण के साथ में। पर्याय परिणमित तो होती है, पलटती, मगर पर्याय द्रव्य के साथ में अभी अपने में।
ઢલી સો ઢલી અપાથી આવે ત્યાં નો જ આવે ને ક્યાંથી આવે પછી બસ તમારી પાસે હવે જો સમય ઓછો છે તો જલ્દી જલ્દી કરો હવે હવે ઢલો प्रति समय यह जागृति रहे हे ज्ञान दीपक मेरा मात्र कृष्ण के लिए नाची थी सारे जगत के लिए आप समस्त परमात्माओं ने यहां विराजमान होकर अत्यंत विनयवान होकर शांति पूर्वक मुझे सुना और मुझे नाचने का मौका दिया। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार। Thank you.